तो उस टाइम फिल्म बाहुबली जो कि इंडिया की नंबर वन फिल्म बन गई, लेकिन उसके बाद प्रभास की साहू नहीं चली, नहीं चली राधेश्याम, और यहाँ पर तो भगवान श्री राम भी प्रभास की फिल्म को नहीं बचा पाए, और यहाँ फिल्म आदि पुरुष को भी लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे कि अब यहाँ प्रभास पहुंचे प्रशांत नील के पास, और इसमें प्रशांत नील जिनके हाथों में है पूरी तरीके से प्रभास के फिल्मी करियर को एक बार फिर से ट्रैक में लाना। जैसे प्रभास की बैक टू बैक तीन बड़ी फिल्में और कहा जाए तो मेगा बजट फिल्में जो कि बैक टू बैक थिएटर्स में आई, लेकिन तीनों ही फिल्में जो कि पूरी तरीके से लोगों को निराश कर गई, यहाँ तक कि खुद प्रभास भी इससे काफी ज्यादा निराश हुए ही होंगे। और इसमें भी प्रभास का पूरा ही फोकस जो कि रहने वाला है फिल्म सालार पर, जैसे यहाँ सालार जो कि वो दमखम रखती है कि यहाँ प्रभास एक बार फिर से इंडिया के फेवरेट और नंबर वन बॉक्स ऑफिस स्टार बन जाए। जैसे प्रभास की पिछली कुछ फिल्में वैसे तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ सालार जो कि वो दमखम रखती है और जैसे कि उसकी कुछ वजह देखी जाए तो यहाँ उस पर नंबर वन पर आते खुद प्रभास। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम लिया जाता है। जैसे यहाँ प्रशांत नील जो कि यहाँ अपनी केवल दो फिल्मों से ही पूरे इंडिया के टॉप डायरेक्टरों में शामिल हो गए, यानी क्या KGF और KGF चैप्टर 2। लेकिन अब यहाँ प्रशांत नील जो कि लेकर आ रहे हैं सालार, और यहाँ सालार भी काफ़ी हद तक KGF की तरह ही देखने को मिलेगी, और इसी कारण से यहाँ पर इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।